हेलो दोस्तों, आज हम आपको भिंडी की मसाले वाली सब्जी बनाने सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने ऐसे भिंडी को धो के अच्छी तरह से पोंछ लिया है। फिर इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। और ये थोड़े से प्याज चाहिए, थोड़े से हरी मिर्च चाहिए और एक टुकड़ा थोड़ा सा अदरक का चाहिए, जिसको हम ग्रेट करके डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने भिंडी काट के तैयार कर ली है। ये प्याज है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल डाले हैं। अब हम इसमें पहले प्याज को डालेंगे, फिर भिंडी को डालेंगे। आज हमारे घर में भिंडी की भुजिया और पराठे बनेंगे नाश्ते में। पहले हम इसमें थोड़ा सा तड़का ऐड करेंगे, जीरे का तड़का डालेंगे। तेल गरम होने वाली है, हम इसमें थोड़ा सा आधे चम्मच के करीब हम इसमें जीरा डाल देंगे। आप अपने घर पे बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है और बिल्कुल ही भिंडी लस 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 नहीं करेगी। हम आपको एक अच्छी ट्रिक के साथ बताएंगे, जिससे भिंडी में बिल्कुल ही लस लस नहीं आएगी, बहुत ही स्वाद बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जीरा तड़क चुका है। हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और हमने काट के जो रखे हुए प्याज डालेंगे। इसको थोड़ा सा सौते होने देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ इसमें भिंडी डालेंगे। ये देखिए भिंडी प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई है। हम इसी स्टेज में हम अपने कटे हुए भिंडियों को डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से हिलाएंगे, जिससे कि भिंडी के बीज ना बाहर आए। भिंडी के बीज बाहर आ जाने से स्वाद नहीं लगती है। देखिए अब भिंडी से बिल्कुल ही लस लस निकल चुकी है। अब हम इसमें हल्दी और नमक डालेंगे। अब थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, पहले इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, ये पूरी अच्छे से भिंडी लाल हो गई है। लाल होने के बाद इसमें नमक डाला जाता है। हम इसमें एक चम्मच नमक डालते हैं और मेरे पास चिकन मसाला था, थोड़ा सा मैं चिकन मसाला डाल रहे। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है भिंडी की। आप भी एक बार ऐसे बना के देखिए, ये बिल्कुल आपस में लस लस नहीं करती है किसी तरह का। इसके अंदर बहुत ही लाजवाब कलर भी आया है भिंडी का, बहुत ही क्रंची भी बनी है। ये हमारी भिंडी बन के अब तैयार होने वाली है। मैं आपको एक ट्रिक दिखाने वाली हूँ, जिससे और भी स्वाद लगेगी। आप थोड़े से नींबू को इसमें थोड़ा सा निचोड़ दीजिए। ये देखिए हमारी भिंडी बनके तैयार है, कितनी अच्छी दिख रही है। आप भी एक बार जरूर इस तरह से ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।